कहते हैं गोरखा जब हथियार उठा लेता है तो दुश्मन बिना युद्ध किए ही उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। तभी तो कभी भारत के सेना अध्यक्ष रहे सैम मानेकशॉ ने कहा था, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता तो या तो वो व्यक्ति पागल है या फिर गोरखा है। ये एक ऐसी रेजिमेंट है जिसकी बहादुरी को पूरा विश्व मानता है। गोरखा रेजिमेंट बलिदान का दूसरा नाम है। इसी रेजिमेंट के भरोसे तो अंग्रेजों ने हिटलर से टक्कर ली थी और हिटलर इस रेजिमेंट से इतना प्रभावित हुआ था कि वो भी इस रेजिमेंट के बदौलत पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। देश में जब भी संकट के बादल गहराए तब तब इसी रेजिमेंट को याद किया गया। अपनी मिट्टी के लिए पलक झपकते ही जान कुर्बान करने को तैयार, हाथ में खुखरी हो तो ये मौत को भी सबक सिखाने की ताकत रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में गोरखा कहाँ से आए, तो आपको बता दें कि गोरखा नेपाल से आए हैं। हिमालय की तलहटी में बसे नेपाल में गोरखा नाम का एक जिला है जो योद्धाओं के लिए विख्यात है। गोरखा किसी एक जाति के योद्धा नहीं बल्कि उन्हें पहाड़ों में रहने वाले समर, गुरुंग, रोए, मगर, लिंबू आदि जातियों से भर्ती किया जाता है। गोरखा के लिए कहा जाता है कि गोरखा जब अपनी खुखरी निकालता है तो वो दुश्मन का खून बहाए बिना मैदान में नहीं जाता। गोरखा पलटन विश्व में सबसे बहादुर पलटनों में से एक है। गोरखा पलटन भारतीय सेना से 1815 में जुड़ी थी। 1814 से 1816 में आंग्ल नेपाल युद्ध में गोरखा सेना की लड़ाई की तरकीब और उनकी बहादुरी से ब्रिटिश इतने खुश हुए कि गोरखा को ब्रिटिश भारतीय सेना से जोड़ लिया गया। अगर आप सोच रहे हैं कि गोरखा सिर्फ भारतीय सेना में है तो ये गलत है। नेपाल और भारत के साथ साथ ब्रिटिश आर्मी में भी गोरखा रेजिमेंट शामिल है। गोरखा रेजिमेंट वर्ष 1947-48 में उरी सेक्टर, 1962 में लद्दाख के साथ साथ 1965 और 1971 के जंग में शामिल रह चुकी है। श्रीलंका भेजी गई शांति सेना में भी गोरखा पलटन शामिल थी। इससे पहले देश के आर्मी चीफ दलवीर सिंह सुहाग भी गोरखा राइफल रेजिमेंट से ही थे। गोरखा रेजिमेंट को बहादुरी और अदम्य साहस की वजह से भारतीय सेना इन्हें लड़ाकू नस्ल मानती है। महाराणा रणजीत सिंह ने भी इन्हें अपनी सेना में स्थान दिया था। गोरखा रेजिमेंट को कई सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है जिसमें महावीर चक्र और परमवीर चक्र भी शामिल हैं।